नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज वित्त वर्ष 2022 से 23 का बजट पेश कर दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2022 से 23 के आम बजट को पेगासस स्पिन बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें देश के आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ममता ने ट्वीट किया कि बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं बड़ी बात है और हकीकत में कुछ नहीं है, पेगासस स्पिन बजट है। सोशल मीडिया पर काशीपुर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी दीपक बाली का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें बाली को काशीपुर जिला बनाने को लेकर ये कहते हुए दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कह दो कहने में क्या जा रहा है, जिला बनाना थोड़ी है। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर दीपक बाली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि गंदी राजनीति 20 साल से काशीपुर पर कब्जा चलाते आ रहे हरभजन सिंह चीमा की है। भाजपा अपनी हार देखकर विधायक हरभजन सिंह चीमा जी अपना आपा खो बैठे हैं और घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। जोरी बात जो सच थी वो ये थी, जब मैं कह रहा था विधायक जी ने अपने लोगों को बैठकर ये कहा था कि ये जिला बनाना जनता की मांग नहीं है, ये कुछ वकीलों की मांग है। तो मैंने भी ये कहा जब कुछ लोग बैठे थे, उसमें दो पत्रकार बंधु भी बैठे थे और एक बातचीत चल रही थी। मैं कहा इन नेताओं का क्या है, जब चुनाव आते हैं तो ये भाजपा और कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी बस जनता के बीच में जिला बनाने की बात करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बनाना तो है नहीं, बनना तो है नहीं, कह दो कहने में क्या जाता है, बनाना कौन सा है। तो इन्होंने आगे का हिस्सा काट कर ये पिछला हिस्सा चला दिया, मेरे शब्दों को इस तरीके से रख दिया। जैसे कि आज भी अगर जो वकीलों वाला बयान है, अगर आप उसमें से अगली लाइन हटा दें कि विधायक हरभजन सिंह चीमा जी ने ये कहा था कि एक जिला काशीपुर की जनता की मांग नहीं है, बस कुछ वकीलों की मांग है, तो ऐसा लगेगा जैसे ये बात मैं कह रहा हूँ। चमोली में एलएलबी तीसरे सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने गोपेश्वर स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय में प्रदर्शन कर परीक्षा का बहिष्कार किया। इसी के साथ ही प्राचार्य को ज्ञापन सौंप कर परीक्षा स्थगित करने की मांग उठाई है। छात्र छात्राओं ने प्राचार्य राजेश कुमार को ज्ञापन सौंप कर कहा कि विश्वविद्यालय में अपनी मनमानी करते हुए बिना यूजीसी के मार्कों के आधार पर एलएलबी तीसरे सेमेस्टर के पेपर करवाए हैं। छात्रों ने कहा है कि बिना परीक्षा पत्र घोषित हुए किसी भी सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिलता। परीक्षा का परिणाम घोषित हुए केवल 10 दिन हुए हैं। विद्यार्थी को प्रवेश लेने का समय 4 दिन रखा गया है और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से 31 जनवरी से पेपर की डेट निकाल दी गई, जो कि यूसीजी के मानकों के विपरीत है। विश्वविद्यालय के ओर से कोई आश्वासन तो नहीं मिला है, बट बच्चों के द्वारा कई बार विश्वविद्यालय को बताया गया है कि हमारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट हमारे जो बैग जिन बच्चों की लगी थी उनका एडमिशन 15 जनवरी तक हुआ है, 16 जनवरी को लेटर निकलता है कि हमारी छुट्टियां पड़ गई है। हमारी मांगे सीधी सीधी हैं। हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 30 तारीख को अंतिम एग्ज़ाम हुआ था, 30 सितंबर को हमारा जो हुआ था एग्ज़ाम वो अंतिम हुआ था। उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट आना था दिसंबर महीने में, लेकिन वो रिजल्ट हमारा दिसंबर में ना आकर 7 जनवरी को आया गया। और वो रिजल्ट हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एक एक हफ्ते के अंतराल के अंदर खुला। बलिया में रास्ते के विवाद को लेकर गोली चलने का मामला सामने आया, जिसमें गोली लगने से सुभाषपा के रसला विधानसभा अध्यक्ष के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि रास्ते में एक गाड़ी खड़ी करने को लेकर मारपीट हुई, जिसके दौरान गोली चली। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामला रसाड़ा कोतवाली के नहगर गाँव का बताया जा रहा है। थाना रसला अंतर्गत ग्राम नगर में दो पक्षों में झगड़े में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना है। उस संबंध में भी मैं जिला अस्पताल आया था, बताया गया कि जो घायल है उसकी कंडीशन स्टेबल है, फिर भी एहतियातन बेहतर ट्रीटमेंट हेतु उसको यहां से रेफर कर दिया गया है। उपरोक्त मामले में जो घायल पक्ष है उनकी तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर अन्य पक्ष के दो लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की। सर, ये कैसा विवाद है? ये जो पता चल रहा है कि कल रात को एक घर पक्ष के यहाँ पे तेरही के कार्यक्रम में घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिल से रास्ता ब्लॉक होने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके संबंध में आज इनके बीच में बात करते समय वाद विवाद हुआ है, जिसे आगे
घटना हुई है, बाकी जो तफ्तीश में आएगा आप लोगों को अवगत करवाएगा। बांदा में लोडर में आग लगने का मामला सामने आया। बता दें कि मामला छानी बुंदेला का रहने वाला मुकेश कुमार बरेरू सामान छोड़ने के बाद लोडर लेकर वापस जा रहा था कि तभी रास्ते में खड़े ट्रक ट्रॉली से टकरा गया। टक्कर लगने से लोडर में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर प्रभुनाथ सिंह और कुर्सेजा चौकी इंचार्ज केडी त्रिपाठी की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मुकेश की लोडर में ही जलकर मौत हो गई। सरवन ये हमीरपुर के रहने वाले थे, थाना मुस्करा के। ये तिंदवारी से हमीरपुर पपरेंदा होते हुए जा रहे थे। समय लगभग 9 बजे आज रात्रि में ये धान की भूसी हुई, वो धान की बोरियां भरी हुई ट्राली खड़ी हुई थी, इससे टकरा कर गाड़ी में इनकी आग लग गई थी। तत्काल थाना पुलिस ने, हम लोगों ने आग बुझाकर इनकी बॉडी को बाहर निकाला है और पंचायतनामा भरवा कर इसको PM हेतु भेजा जा रहा है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, जिसको लेकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक का कहना है कि ये बजट उद्योगपतियों का बजट है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उद्योगपति 28% टैक्स देते थे, आज घटाते कटाते 15% पर ले आए हैं। ये बजट आम आदमी और किसान विरोधी है, किसान के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, MSP को लेकर कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट पूर्णतः उद्योगपतियों का बजट है। जब मोदी जी की सरकार आई, उस वक्त हमारे देश का उद्योगपति 28% टैक्स देता था, उसको घटाते घटाते ये सरकार 15% पर ले आई। ये देखिए हमारे देश की विडंबना, जो उद्योगपति है वो 15% टैक्स देता है और जो हमारे देश का आम नागरिक है, उपभोक्ता है, वो GST के रूप में 18-28% टैक्स देता है। किसान के लिए इस बजट में ना ही गन्ना भुगतान को लेकर कोई आश्वासन है, ना MSP को लेकर है, जिसके लिए देश में इतना बड़ा आंदोलन चला और सरकार ने वादा किया, कमेटी की बात कही, आज बजट के अंदर MSP को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद से ही नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। इसी बीच बजट को लेकर सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का भी बयान सामने आया, जहां पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इस बजट को जुमला बजट करार दिया। इस बजट का मतलब जुमला, जुमला और बड़ा जुमला। ये गरीब विरोधी, मध्यवर्गीय विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है ये। इस बजट में बताइए भला, आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते करते आप 60 लाख पे आ गए। जुमला और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, बजट भी जुमला है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली सरधना विधानसभा पर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता रेहान आलम ने जनता से बातचीत की। इस दौरान लोगों का क्या कुछ कहना था, सुनिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियों ने अपने योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। 10 तारीख को यानी कि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। इसी के जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने उठे हैं सरधना विधानसभा में। सरधना विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ लगातार 2 बार सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम का कब्जा है और इस बार भी उन्हीं के ऊपर भाजपा ने अपना विश्वास जताया। तो वहीं मुख्य विपक्षी बात करें तो अतुल प्रधान को समाजवादी पार्टी ने तीसरी बार संगीत सोम के सामने अपना चेहरा बनाया। जानते हैं जनता से कि इस बार क्या करने जा रही है वो, और इसको इस बार किसे अपना विधायक चुनकर विधानसभा भेजेगी। कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, जानते हैं उनसे कि इस बार क्या होने जा रहा है। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस बार उत्तर प्रदेश में खासकर सरधना विधानसभा की बात, तो इस बार सरधना विधानसभा में क्या होने जा रहा है, क्या संगीत सोम हैट्रिक लगाएंगे या इस बार बदलाव होगा? सरधना में संगीत सोम जी तीसरी बार विधायक चुनने जा रहे हैं और वे सरधना से विधायक चुनने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे और पिछले 5 साल से जितना विकास का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है उसे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा,
किन किन जैसे विकास की बात की है, किन जो जो मेन मुद्दा है, क्या विकास, कौन से विकास की बात आप कर रहे हैं वो जरा बताइए। देखिए जब हम विकास की बात करते हैं, विकास में आप देखिए जब बिजनेस की या इंडस्ट्री की बात होती है, पिछले 5 साल में एक स्टेट के तौर पे उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया है, आपको जानकारी है। दूसरी हम बात करते हैं अपना जो हमारा सड़कों का जाल है, शायद इतने कम समय में इतना शानदार सड़कों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल है। आप देखेंगे गाज़ियाबाद से लेकर अपना मेरठ तक अपने रैपिड रेल आ रही है। हम पहले यहाँ से सरधना से अगर हम नोएडा की बात करें 3.5 से 4 घंटे लगते थे पहुँचने में, आज की तारीख में अपना जो स्टेट हाईवे निकला है मतलब मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, जब उससे हम जाते हैं तो मात्र 55 मिनट में 1 घंटे के अंदर अंदर हम वहाँ पहुँच रहे हैं। बात होती है विद्युत की, पिछले कार्यकाल में जो है लगभग अगर बिजली की हम बात करें 12 से 14 घंटे की बिजली अगर आती थी तो आज की तारीख में जिले के अंदर 24 घंटे लाइट है। हम तहसील की बात करें 20 से 22 घंटे की लाइट है। देहात की हम बात करें गाँव में 18 घंटे की लाइट है। आपने एक मुद्दा जो है शिक्षा की बात करें, शिक्षा में अभी सिवालखास विधानसभा में घूमा हूँ, पिछली सपा सरकार में वहाँ पे लगभग 12 स्कूल कॉलेज ही बनाए थे, लेकिन आज की जो उसकी मौजूदा हालत मैंने देखी अपनी आंखों से, वो खंडन में तब्दील हो चुकी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण आप मानेंगे भैया, अभी जो कोरोना एक पैंडेमिक रहा है, पिछले 3 साल में कोरोना के कारण काफ़ी सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ विकास का जो कार्य है जो प्रगति पर था वो थोड़ा रुका है, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि आने वाले समय में जब सरकार आ रही है, आप देखेंगे अगर शिक्षा की बात करेंगे तो मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें पूरे प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मेरे मित्र, मेरे भाई भाजपा समर्थक ने बात कही कि कोरोना के काल की वजह से विकास कार्य रुक गए। विकास कार्य नहीं रुके, मैंने कहा विकास कार्यों में कहीं ना कहीं थोड़ी स्पीड की कमी आई है। अच्छा, स्पीड की कमी आ गई। स्पीड की कमी क्यों आ गई? आपने सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से। आपने डीजल का रेट बढ़ा दिया, आप कह रहे हैं कोरोना की वजह से। आपने हर चीज की महंगाई कर दी, बोले कोरोना की वजह से। जब आपने टैक्स ले लिया, टैक्स को दोगुना कर दिया, टैक्स पेयर ले लिए, आपने पीएम फंड में रिलीफ फंड में पैसे ले लिया, उसके बाद भी विकास में धीमी आई। धीमी क्यों? अब तो तेजी से आनी चाहिए, आपके पास तो पैसा पूरा आया है। और सुनिए दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना मैनेजमेंट में सबसे पिछड़ा हुआ हमारा उत्तर प्रदेश और भारत देश के अंदर आयात करने वाले कोरोना ये हैं कि जब पूरे देश के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोक दी गई थी, ये वेलकम कर रहे थे, आइए, हम कह रहे थे हाउडी मोदी, उन्होंने उसका बदला लेने के लिए ट्रंप को बुलाकर यहाँ पर कोरोना का इन्विटेशन दिया था, उसके बाद पूरी तरह से विफल हुई। यहाँ गंगा के अंदर हम अपने पापों को धोते हैं और यहाँ लाशों के अंबार लगा रखे थे इन्होंने, और लाशों के अंबार से शर्मनाक वो तस्वीरें थी जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर हमारे भारत की एक शर्मनाक तस्वीर दिखा रहे थे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहाँ चली गई। और शिक्षा व्यवस्था के नाम पर अब तो बिल्कुल, चलो कोरोना पैंडेमिक है, क्या इससे पहले भारत के अंदर कोई पैंडेमिक नहीं आई? सब मतलब विकास का है, विकास के ऊपर इलेक्शन होगा। इस बार कौन किसे चुनकर आप विधानसभा भेज रहे हैं? हम उसको भेजेंगे जो यहाँ विकास करेगा, हमारे निजी मुद्दों पे जो हमारा जो हम ध्यान दिला रहे हैं उस पर आकर्षण रहेगा उसका, जो यहाँ के विकास करेगा, सारे पब्लिक के लिए सुविधा होगी, उसको वोट करेंगे। तो कुछ तो दिमाग में सोचा होगा कि दिमाग में सोच रखा पब्लिक ने, परिवर्तन है आपकी बार, निश्चित है परिवर्तन। ये तो परिवर्तन बता रहे हैं कि परिवर्तन होने जा रहा है, क्या नाराजगी क्या है विधायक जी से जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? भी कोई भी आदमी पूरे समाज में एक व्यक्ति पर्टिकुलर आदमी जो है संतुष्ट नहीं कर सकता। पहले भी विरोध में मत पड़े हैं, इस बार भी माननीय विधायक जी के विरोध में मत पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी विधानसभा केवल माननीय विधायक संगीत सोम जी को ही वोट करेगी, उनके अपोनेंट में भी कुछ लोग खड़े हैं, उनके भी चाहने वाले हैं, उनकी भी आइडियोलॉजी को चाहने वाले हैं। लेकिन पिछले अगर 10 साल की बात करें, विधायक जी जीते हैं और जितनी बार जीते हैं हर बार मत का अंतर जो है बढ़ा है, इस बार भी मतों का अंतर बढ़ेगा और बड़ी जीत दर्ज करेंगे। जो महंगाई है, महंगाई का कुछ असर इस बार चुनाव पे आपको देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता भैया महंगाई का असर लगेगा। आप कहोगे एक एक घर में 4-4 बाइकें हैं, 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, और कोई भी आदमी पब्लिक कन्वेंस का जो है यूज करना कम चाह रहा है, लेकिन महंगाई का मुद्दा उसके लिए दिखाई देता है फिर जो है। जी, क्या कर रहे हैं? अभी कुछ देर पहले जैन साहब ने कहा था कि बिजली शहर में कितनी टाइम आ रही है, देहात में कितने टाइम आ रही है। अभी कोरोना काल की आप आंकड़े बता रहे थे आपने, और आपकी बैटरी केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने कोरोना काल में एक दिन बिजली का बिल तो नहीं माफ़ किया। जब स्मृति ईरानी जी 2014 से पहले जेब में अपने पर्स में चूड़ियाँ लेकर चलती थी एक्स्ट्रा में, वो कभी भी कहती थी कांग्रेस सरकार को चूड़ियाँ पहन लो, चूड़ियाँ पहन लो। अब स्मृति ईरानी जी की
कभी दिख नहीं रही मीडिया पे, क्योंकि वो पता है उनको जो चूड़ियाँ लेके चलती थी वो स्वामी क्या बोलते राजनाथ सिंह जी प्याज की माला पहन करके बैठ जाते थे, वो शिवराज सिंह चौहान जी साइकिल से विधानसभा जाते थे, आप कहाँ गए वो सब लोग? जैन साहब ये जो है ना ये सरदाना सुनिए सरदाना में पेट्रोल सुनिए, लोकतंत्र में हर एक को विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। तो महंगाई अगर आपको लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है आप अपने तरीके से विरोध करें, उसका कोई अनापत्ति नहीं करने वाला। मैंने तो जो सिद्धांत की बात है वो आपको बात बताई है, सारी जनता चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो शांति व्यवस्था चाहती है, कायम हो या हिंदू मुस्लिम प्यार से रहें झगड़े ना हो। बहुत बढ़िया बात है, गलत है मेरी बात? ये सब पाँच सालों में देखने को मिला आपको? देखिए पहले जो था BSP में तो एक बिरादरी का वो हो रहा और समाजवाद में क्या हो रहा, यहाँ नौकरी मिली तो सबको एक सिद्धांत पर मिली, ये जितने गैस कनेक्शन मिले तो सिद्धांत पर मिले, मकान बन रहे हैं तो सिद्धांत पर बन रहे हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं है। गलत है सही है कोई सा मेरी बात हो काटो जो मैं गलत कह रहा हूँ। आपने काटने से मना कर दिया इसलिए चुप हूँ। जो सिलेंडर जो है ना यहाँ से जो 400 रुपए का आता था आज 1000 रुपए का वो भी सबको बराबर मिल रहा है। सुनिए जब पहला सरकार थी 6 सिलेंडर मिलेंगे 9 मिलेंगे 12 मिलेंगे फिर कम कर दिए, आज किसी को कोई सिलेंडर की दिक्कत नहीं है, तो लोगों को सुविधा चाहिए। लॉलीपॉप दे के वो इन्होंने कबाड़े में तोलने का काम करा है सबने गरीबों ने। कितने इन्होंने घर पे ये लैट्रिन बनवाई तो बहुत सुधार हुआ है और जनता अपनी सुविधा को देख कर वोटिंग करेगी। बाबा जो किसान आंदोलन चला था उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए मिल रहा था आज बदलता जा रहा। मैं आपको यहीं की उदाहरण दूं, स्वरूपुर में यहाँ BJP का कैंडिडेट गया साहब, उसका मुखालफत किया लोकदल और समाजवादी ने, अब जो कल के पेपर में था जो विरोध करने वाले थे वो आज उल्टा उनका कर रहे हैं, इनका पता कुछ नहीं किसी का क्या है क्या नहीं, और फर्क जो पड़ना था जैसा लोग सोच रहे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ गया 10% 15% पड़ गया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ये थे सरदाना विधानसभा के तमाम लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, अब देखना यही होगा कि आने वाले 10 तारीख को किसे ही अपना विधायक चुनते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रिहान आलम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। वही गौना में पांचवें चरण के मतदान के लिए जिले की 7 विधानसभाओं में नामांकन शुरू हो गया है। ये नामांकन कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है, जिसमें एक प्रत्याशी के साथ 2 लोगों के ही जाने की अनुमति मिल रही है। इसी के साथ ही वाहन कलेक्ट्रेट परिसर से 200 मीटर दूर ही रहेंगे। नामांकन के दौरान कैमरा और मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं DM मार्कंडेय शाही और SP संतोष मिश्रा ने इसको लेकर सुरक्षा का जायजा भी लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सीटों पर चौथे चरण में चुनाव होने हैं, जिसके लिए 3 फरवरी तक ही नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। कांग्रेस और BSP ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन BJP ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। हालांकि लखनऊ की सीटों के लिए BJP के संभावित प्रत्याशियों के नाम हैं और उन्हीं पर मुहर लग सकती है, तो पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के लिए बड़ा झटका होगा। लखनऊ की 9 सीटों में से 8 सीटों पर BJP का कब्जा है और 2022 के चुनाव में इन पर अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखने की चुनौती भी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट सकता है और उनके जगह सरोजनी नगर सीट से पूर्व IPS को BJP अपना प्रत्याशी बना सकती है। वहीं लखनऊ कैंट सीट पर रीता बहुगुणा जोशी को अपने बेटे के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ सकता है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की मुहिम के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान मालिकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई के साथ अहमदाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के चेयरमैन अश्विनी पिठानी एक्शन मोड में हैं। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी प्रणव सिंह राजपूत ने चेयरमैन अश्विनी पिठानी से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए।
जी हाँ, मैं प्रणोशी राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और अभी मेरे फिलहाल जो मेरे साथ है, जो चेयरमैन साहब है, जो अश्विन पिठानी, जो मुख्यमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो चेयरमैन है, और अहमदाबाद जो एएमसी ऑफिस है उनकी कार्यालय में आया हुआ हूँ और मैं बैठा हूँ उनके साथ, मैं जो बातचीत करना चाह रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब के, जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री आवास योजना और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, आप चेयरमैन हो, उन पूरा डिपार्टमेंट का हैंडलिंग आपके अंडर में है, दो दो बार नोटिस लगाया गया, फिर भी वो जगह में जो जो रेंटल जो लोग है वो खाली करके नहीं जा रहे, और लोग आ रहे हैं काफी संख्या में बढ़ रहे हैं, क्या एएमसी का डर वो लोग को सता नहीं रहा है, कि या फिर एएमसी का डर उन लोगों में है नहीं? अभी जब हमने उन लोगों को नोटिस दिया था, मकान जिसके मकान थे और उन्होंने मकान रेंट पे दे दिए थे, ऐसे 471 लोगों को हमने नोटिस भिजवाई थी। इसके बाद ये दो महीने हमने कोरोना के कारण इन लोगों को छोड़ दिया था कि अभी एक माहौल में हमको काम नहीं करना है, उनको खाली करवाना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है। आज हमने कमेटी से पहले ही तय कर लिया है कि जिन लोगों को हमने नोटिस भिजवाई है, भेजी है, और उन लोगों ने हमको कुछ जवाब नहीं दिया है, वो सबको अब नोटिस है 2 दिन में मकान खाली करने की नोटिस भेज दी जाएगी। और इसके सिवा जो लोग ये मकान भाड़े पे रेंट पे देने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हमारा तंत्र अब कार्रवाई करने की शुरुआत करने वाला है शॉर्ट टाइम में। दूसरा भी ऐसा है कि हमने ऐसा तय किया है कि जो जोन है अहमदाबाद के, जितने भी जोन है, सब जोन में एक ऐसी टीम तैयार करनी पड़ेगी कि जिसकी जितनी भी बिल्डिंगों में रेंट पे लोग रह रहे हैं, जो मकान मालिक थे और उन्होंने रेंट पे मकान दे दिए, सबका ऊपर कार्यवाही करके नोटिस दे दी जाएगी। और ये 471 लोगों को ये वीक के अंदर मकान खाली करने का नोटिस दे दिया जाएगा। सर, ये आप अभी बात कर रहे हो कि जिस प्रकार से ये कार्यवाही स्टार्ट करने जा रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन लगातार चार कोरोना के पहले, 2 साल के पहले भी यहाँ पे, यानी 4-5 साल पहले भी नोटिस एएमसी में लगाई गई थी, लेकिन 7 साल का जो कमेंटमेंट है कि भाई 7 साल तक आप किसी को रेंट पे नहीं दे सकते, नहीं किसी को भेज सकते, लेकिन फिलहाल एएमसी का कोई भी डर वो मकान मालिकों में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि न्यूज में भी काफी सारा चला है, काफी सारी न्यूज पेपर में हाईलाइट हुआ है, काफी सारी न्यूज चैनलों ने डिबेट की है, लेकिन फिर भी वो लोग के अंदर डर जैसी कोई महसूस नहीं है। और दूसरी बात कि जब एएमसी के पास, जब मीडिया आती है एएमसी से, आपके जैसे लोगों से मिलती है और आपके जैसे पद अधिकारियों से बातचीत होती है, तो पद अधिकारी ऐसे ही बताते हैं कि भाई हम लोग एक्शन ले रहे, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, वो हमें थोड़ा कुछ बताएंगे। 2 साल की तो मेरे को पता नहीं है, ये 4 संभाले मेरे को 7-1 महीना हुआ है, और 7 महीने में हमने 471 लोगों को क्वालिफाई किया था कि उन लोगों ने रेंट पे मकान दिए हैं। उसके बाद ये 2 महीने हमने कार्यवाही कोरोना के कारण से बंद कर दी थी, अब हमने ये कार्यवाही चालू करने का आज फैसला किया है। हर जोन के अंदर टीम तैयार करने की तैयारी हो गई है, हर जोन के अंदर, हर आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, जहां भी जो भी लोग भाड़े पे रह रहे हैं, मेरी सब लोगों को निवेदन है, जिसने भी ऐसे मकान भाड़े पे ले लिए वो खुद मकान खाली कर दे, उसके लिए बेहतर रहेगा, वरना सरकारी कार्यवाही के अंदर हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। और मकान खाली करना है वो एक बात तय है, जैसे कि हमने बोला था कि पहले हमने नोटिस भिजवाई और उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये नोटिस तो नोटिस होती है और कुछ होने वाला नहीं है। जी हाँ, जिस प्रकार से वो बोल रहे थे कि दीपावली आ रही है, दीपावली का खर्चा निकालने के लिए एमसी आई है, अभी जब खर्चा निकल जाएगा, दीपावली चली जाएगी, बाद में ये नोटिस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, वो सब जैसे कि ये रेंट पे देने का जो काम कर रहे हैं दलाल लोग, उसको ये मैं स्पष्ट बात से कह देना चाहता हूँ, ये दीपावली का खर्च निकालने वाली बात नहीं है, मुख्यमंत्री श्री, प्रधानमंत्री श्री के दिए हुए फंड में से मकान बना रहे हैं हम लोग। जी हाँ, और ये गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, किसी को मकान देके उनको रेंट पे पैसा लेने के लिए मकान नहीं दे रहे हम लोग। और अब जब ये लोगों को इसने ऐसा सोच रखा है कि ये सब खर्चा निकालने की बात है, ऐसा कोई बात है नहीं, मकान तो खाली करना पड़ेगा, जो भी रेंट पे रह रहे हैं उनको भी खाली करना पड़ेगा। मैं रेंट पे रहने वाले हर भाड़ुआत को बोल देता हूं अभी कि आप लोग मकान खाली कर दो, वरना सरकारी कार्यवाही में आप लोग बीच में आपको कुछ लेना देना नहीं है, जिसने रेंट पे मकान दिया है, जो मकान मालिक के, उनके ऊपर तो कार्यवाही होनी है।
आप लोग बीच में क्यों पीस रहे हो? आप अपना मकान खाली करो, दूसरी जगह पे भाड़ू भाड़वा बन के चले जाओ। हम लोग ये कार्यवाही करने वाले हैं, ये बात तय है। सर, जिस प्रकार से आपने जो बात बताई कि हम लोग एक्शन मोड पे है, एक्शन मोड किस प्रकार के एक्शन मोड पे आप अभी आगे जा रहे हो? अभी तो 471 लोगों में से क्वालिफाइड ऐसा हो रहा है कि जिसके भी इतने 471 लोग हैं, उनको मकान खाली करने का, रेंट पे वाले को खाली करके सरकार उसको मकान, हम लोग वापस, हमको दे दो मकान। आप लोगों को हमने मकान क्यों दिया था? आप लोग गरीब थे, आपके पास आवास नहीं था, इसीलिए सरकार ने आपको आवास दिया था आपके लिए। और आपको रेंट लेके ये करना है तो सरकार कर सकती थी ये सब। हम लोग ये कार्यवाही करने वाले हैं, ये बात तय है। सर, जिस प्रकार से आपने जो बात बताई कि हम लोग एक्शन मोड पे है, एक्शन मोड किस प्रकार के एक्शन मोड पे आप अभी आगे जा रहे हो? अभी तो 471 लोगों में से क्वालिफाइड ऐसा हो रहा है कि जिसके भी इतने 471 लोग हैं, उनको मकान खाली करने का, रेंट पे वाले को खाली करके सरकार उसको मकान, हम लोग वापस, हमको दे दो मकान। आप लोगों को हमने मकान क्यों दिया था? आप लोग गरीब थे, आपके पास आवास नहीं था, इसीलिए सरकार ने आपको आवास दिया था आपके लिए। और आपको रेंट लेके ये करना है तो सरकार कर सकती थी ये सब। तो आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि सरकार का मकान आप रेंट पे रखो और आप रेंट खाओ। आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा और हम ये कार्यवाही में कटिबद्ध है। इसका आपको 10-12 दिन में सब दिखाई देगा। जिस प्रकार से वही आवास योजनाओं में काफी लोगों ने फ्लैट अनलीगली बेच दिया है, वो लोग पे एक्शन क्या होगा? 7 साल इसमें ऐसा वक्त तय होता है कि 7 साल बाद कोई बेच देता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर, 7 साल नहीं हुआ हो तो हम उसके ऊपर भी कार्यवाही करेंगे। कोई बेच नहीं सकता है, वो मकान भी वापस लेना ही पड़ेगा। 7 साल पे हो गए और मकान बेच दिया तो बात उनकी अलग है, मगर 7 साल तय हुआ नहीं है और मकान बेच दिया है तो उनके ऊपर भी कार्यवाही कर दी जाएगी। ओके। और जिस प्रकार से फौजदारी का आपने बताया था, जैसे कि हम लोग जो एक्शन मोड पे जा रहे हैं उनमें फौजदारी भी होगा, जैसे पुलिस FIR है, अरेस्ट किया जाएगा, मकान मालिक है अनलीगली कर रहे तो उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, तो उनके ऊपर कुछ विचारणा की? इसमें लीगली हमने लीगल हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, उनसे बातचीत हुई। तो उससे पहले ऐसा होता है कि हमने लोगों ने पहले नोटिस भिजवाई थी, मकान रेंट पे दिया है कि नहीं दिया है। ओके। वो बात तय हो गई कि रेंट पे दिया है, रेंट पे दिया। अब दूसरी कार्यवाही ऐसी होती है, उनको नोटिस दी जाएगी मकान खाली कर दो। मकान खाली करने की हम नोटिस देंगे और उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होगी तो फौजदारी केस लागू कर दिया जाएगा। और उसके अंदर वक्त कम से कम, आज हमने ये तंत्र और हमारी टीम तैयार करने का बोला है तो 4-5 दिन में टीम तैयार हो जाएगी। और उसके बाद मकान जिसके भी 471 लोगों की पहले कार्यवाही होगी और उनको खाली करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उसके ऊपर लीगली फौजदारी केस हो जाएगा। जी हाँ, तो ये थे अश्विन पेशानी जो चेयरमैन है मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के चेयरमैन थे, और काफी सराहनीय उन्होंने बात बताई है और काफी उन्होंने बोला है कि जिस प्रकार से जो लोग मकान मालिक है वो एक्शन मोड पे, हम लोग एक्शन मोड पे आ गए हैं, वो लोग चेत जाइए और जो भाड़ुआत है, जो रेंटल है, वो मकान खाली करके दूसरी जगह से जा सकते हैं, वो बीच में ना आए। और जो मकान मालिक है उनको सीधी सीधी चेतावनी देते हुए उन्होंने बताया है कि जो एक्शन मोड पे हम लोग आएंगे तो आप लोग बचेंगे नहीं। मैं प्रणवशी राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।